बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चटनियों की रेसिपी। साबुत गोल मिर्च की चटनी बनाएंगे हम और हरी मिर्च की चटनी बनाएंगे। साबुत गोल मिर्च की चटनी बनाने के लिए जाहिर सी बात है साबुत गोल मिर्च चाहिए हमें। ये मैंने 20 ली हैं तकरीबन, और एक टमाटर लिया है और पुदीने के चंद पत्तियाँ ली हैं। नमक लिया है, ज़ीरा लिया है एक चमचा, और लहसुन जो है वो मैंने 10 लिए हैं। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में पुदीना डालेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर को मैंने काट लिया है, लहसुन, मिर्चें, ज़ीरा, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें ताकि चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। चटनी को आपने बारीक पीसना है एकदम, ताकि गोल मिर्चें जो हैं वो अच्छे से पिस जाएं। ये देखें चटनी तैयार है। मज़ेदार चटनी तैयार है। ये आप लोग चावलों के साथ, मटर चावल के साथ, आलू के पुलाव के साथ खा सकते हैं। अब आते हैं हरी चटनी की रेसिपी की तरफ। हरी चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना लिया है मैंने आधी कड्डी, ज़ीरा लिया है, लहसुन, नमक हसबे ज़रूरत, और लहसुन जो है वो 8-10 जोए लेने हैं आपने, और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 10 ली हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें हरी मिर्च की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल बारीक जो है वो ब्लेंड हो चुकी है ये, और ये हरी चटनी भी तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अल्लाह हाफिज़।